थोड़ा सा स्कैम हो गया है मेरे साथ। अब मैं इसको जो है वो थोड़ा प्रोसेस कर रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि ये हुआ क्या है कि जो तस्वीर थी वो तो बिल्कुल डिफरेंट थी और जो ये चीज़ आई है ये बिल्कुल डिफरेंट है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर फूड ब्लॉग। आज हम मौजूद हैं बर्गर और क्लॉक पे। यहाँ पे हम इनका ट्राई करना है स्लाइडर, क्योंकि जब से मैंने फेसबुक पर स्लाइडर का ऐड देखा है ना तो मेरे हवासों पर ये स्लाइडर छाया हुआ है कि क्या चीज़ है। इसके अंदर चार बर्गर हैं, तो देखते हैं चिकन वाला ऑर्डर करते हैं। बीफ में भी अवेलेबल है और चिकन में भी अवेलेबल है, तो चिकन वाला ऑर्डर करके देखते हैं कि वर्थ इट है या नहीं है। तो लेट्स सी। तो भाई हमारा स्लाइडर बॉक्स आ गया है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखें, ये तस्वीर के अंदर तो बर्गर थे लेकिन इसके अंदर मिनी बर्गर है, मिनी बर्गर ही हैं, छोटी छोटी बर्गर के बच्चे छोटे छोटे से। तो ये तो पहला थोड़ा सा स्कैम हो गया है मेरे साथ। अब मैं इसको जो है वो थोड़ा प्रोसेस कर रहा हूँ अपने आप को, कि ये हुआ क्या है कि जो तस्वीर थी वो तो बिल्कुल डिफरेंट थी और जो ये चीज़ आई है ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो भाई जो होना था वो तो हो चुका है, अब क्या कर सकते हैं, अब इसको ट्राई करके देखते हैं कि भाई ये टेस्ट क्या है। तो ये मेरे ख्याल से एलापिनोज हैं, और सॉस भी देखें, थोड़ी थोड़ी सी सॉस लगाई हुई है, चीज़ स्लाइस बीच में है नहीं, तो लेकिन लेट्स सी, देखते हैं कि टेस्ट में क्या बता रहा है। भाई ये है स्मोकी टैंगी फ्लेवर, इनका जो है बर्गर का नेम है। लेकिन आप देखें सिर्फ सॉस जली हुई चीज़, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ हो। तो ये दूसरा है, ये देखते हैं कौन सा है। अभी आप देखें एक जैसे बर्गर है, उसके अंदर सिर्फ एलापिनोज ऐड थे और इसके अंदर जो है वो, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। इसके अंदर एक आइसबर्ग डला हुआ है, एक और छोटा सा चिकन का पीस है और छोटा सा बर्गर है, तो उसको भी देखते क्या है, इसका ट्राई करते हैं। वैसे तो सारे एक जैसे हैं, इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर ये मेरे ख्याल से बलूना स्लाइस डला हुआ है, हाँ, और ये मेरे ख्याल से टैंगो फ्लेवर ये है। वो जलापिनो स्लाइडर था, ये जो है वो टैंगो स्लाइडर है, और ये वाला फायर फ्लाई। भाई ये वाला इन सब में कदरे बेहतर था क्योंकि इसके अंदर बलूना स्लाइस था, इसकी वजह से ये और थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर था, तो ये अच्छा लगा था। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेम है। अब इसके अंदर क्या डिफरेंस बंदा करे, आप ये देखें सेम बर्गर है, फायर फ्लाई है, स्मोकी है, सॉस इसका थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन भाई चारों ट्राई कर ली है। इसके अंदर जो ये वाला था ना टैंगो, जो टैंगी फ्लेवर था, उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस था, बाकी ये तीनों सेम है। सॉसेस का हल्का सा डिफरेंस है, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। भाई साहब अब कन्विंस हो गए या मैं और बोलूं? और साथ में इसके मायो फ्राइज हैं और आपको दो ड्रिंक्स मिलेंगी 1400 के अंदर। ये बॉक्स बर्गर और क्लॉक पर अवेलेबल है। तो ये मेरा रिव्यू था, मैंने इसको रिव्यू किया अपने हिसाब से, तो आप देख सकते हैं कि क्या क्वांटिटी थी, वर्थ इट था या नहीं था, ये मुझे आपने कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।